सर्वप्रथम तो हित हरिवेश महाप्रभु जी के स्वरूप को जानना पड़ेगा। हित का स्वरूप है क्या? तो हित है परात्पर तत्व। परात्पर तत्व जो सर्वव्यापक भी है और अपने आप में भी है। अपने आप में वो नित्य विहार में है, नित्य विहार स्थिति श्यामा श्याम वृंदावन सहचरी रूप से चतुर्व्यूह रूप से एक आत्म वैभव से विलास कर रहे हैं, वो नित्य विहार। और व्यापक रूप से जो सर्व प्राणियों में कण कण में विद्यमान है वो हित रूप हित तत्व से है। और जो श्यामा श्याम के विलास का जो माध्यम बनता है वो बंसी है। और जिस हित का अवतरण भूतल पर देश काल परिस्थिति के समाधान के लिए या धर्म की स्थापना के लिए प्रादुर्भाव हुआ वो है आचार्य स्वरूप। ये स्वरूप हमको थोड़ा जानना आवश्यक होता है, तभी हम हित के सम्यक प्रकार से हित के स्वरूप को जान पाते हैं। तो आचार्य स्वरूप ही हित तत्व है। और वो आचार्य रूप से व्यास नंदन के महल में उनके परिवार में प्रकट हुए। बाल्यकाल से ही उनकी स्थिति सामान्य बालकों से सामान्य मानव से कुछ और विलक्षण है। उनकी स्थिति ये थी कि राधा नाम श्रवण करने मात्र से अगर कोई उनको राधा नाम सुना देता था या किसी के मुख से वो राधा नाम सुन लेते थे तो आत्मविभोर हो जाते थे बाल्य स्थिति में। और उससे बड़ी प्रसन्नता उनको रिझाने के लिए कोई और दूसरी माध्यम नहीं बनता था। अब जैसे जैसे उनका जीवन समय बढ़ता गया तो बाल्यकाल में उनके बाल लीलाओं में भी श्यामा श्याम की ही लीलाएं ओतप्रोत हैं। जैसे बालक खिलौने से खेलता है तो वो सामान्य खिलौने से ना सामान्य बालक हैं, उनके खिलौने तो श्यामा श्याम है। वह किसी भी वृक्ष को किसी को श्याम किसी को गौर बना करके और आप बाल मंडली के साथ में खेलते थे, श्री कृष्ण और श्री राधा के स्वरूपों को लाड़ लड़ाने का जो हित का स्वरूप है वो बाल्यकाल से प्रकट होता था। नौरंगी लाल जी का भी कुआं से प्रकट होना, नौरंगी लाल जी का जब आदेश हुआ श्री जी का आदेश हुआ और वहीं पर श्री जी ने उनको प्रत्यक्ष रूप में अपना शिष्यत्व ग्रहण कराया, मंत्र दीक्षा दी निज मंत्र का। और उस निज मंत्र का प्रभाव यह है कि हितहरिवेश जी को अपनी सखी स्वरूप का बोध हो गया। कभी तो हित सजनी के स्वरूप में स्थित है, कभी आचार्य स्वरूप में स्थित, प्रगट सेवा में आचार्य स्वरूप से स्थित है और नित्य सेवा में सहचरी भव से स्थित। 32 साल तक तो देवबन में ही रहे, गृहस्थ आश्रम भी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर श्री जी ने आदेश दिया वृंदावन के प्रस्थान के लिए और प्रकट होकर के जब कभी भी हुआ तो साक्षात प्रकट होकर के आदेश दिया। और जैसे ही हितहरिवेश महाप्रभु जी को श्री जी का परम दिव्य आदेश प्राप्त हुआ वो घुटनों में हाथ रख करके चल दिए वृंदावन, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। तो स्थिति महाप्रभु जी की कहाँ है, तो श्री जी का आदेश से उनका सारा जीवन ओतप्रोत। हितहरिवेश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी को लता मंडप में विराजमान किया, ऐसे ही वृंदावन यथा प्रथम यथा मत प्रणो ये सब पद प्रकट हुए। जहाँ जहाँ जैसी जैसी देश काल प्रसिद्धि जैसा भी श्री जी का लीला महाप्रभु जी के जीवन में आया ऐसे ही पद भी प्रकट होते गए। महाप्रभु जी का ये पद जो है ये पद हैं हम लोगों के लिए स्तर के लिए रचना है उनकी, लेकिन ये पद नहीं हैं, ये लीलाएं हैं। महाप्रभु जी का जैसी लीलाएं जहां पर जैसा दिखाई दिया वैसे ही उनकी वाणी स्फुरित हुई। किसी किन्हीं किन्हीं पदों में तो श्यामा श्याम जिस राग में गा रहे हैं
वही राग उनका भी है, उसी राग में गाने। और श्यामा श्याम और हितहरिवंश जी अलग नहीं है, ये रसाद्वैत है, हिताद्वैत। वृंदावन, श्यामा श्याम और स्वयं और सहचर्या, ये एक हितहरिवंश जी का आत्मवैभव। उनको कहीं से लाया गया या कहीं से हुआ गया या कहीं से, कोई ऐसा नहीं है, उनको अपना ही आत्मवैभव प्रकट हुआ, और वो आत्मवैभव ही वाणी के रूप में भी प्रकट हुआ। देखिए महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि ये जो श्यामा श्याम का जो ये विलास है, निकुंज विलास है, ये जगत को पावन करने की क्षमता रखता है, जगत को पावन करने के लिए है। तो इसका श्रवण और गायन दोनों ही, जो श्रवण करेगा जो गायन करेगा इसको, वो पवित्र आत्माएं हो जाएंगी, और वो उनका अधिकार प्रवेश निकुंज में हो जाएगा। ये महाप्रभु जी आशीष आशीर्वाद जगत को दे रहे हैं।